हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिनवेस्ट में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने आज ट्रेड किया था, मैंने कितना प्रॉफिट कितना लॉस बुक किया है वो चीज़ मैं आज शो करने वाला हूं। उसके पीछे का क्या लॉजिक था, क्यों मैंने ट्रेड लिया था, वो चीज़ आज सारी डिस्कस करूंगा। तो पहले देख लेते हैं आज हमने कौन से ट्रेड लिया है और कौन से ट्रेड में कितना प्रॉफिट बुक किया है। तो अगर हम पोजिशन में जाएंगे, पोजिशन में जाके अगर हम देखेंगे तो मैंने चार ट्रेड लिए हैं। चार ट्रेड में एक में 2500 बुक किया है, एक में 1500 बुक किया है, एक में मैंने 280 रुपये बुक किया है, एक में मैंने 17400 बुक किया है। जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो 17400 का प्रॉफिट है मेरा, ये बुक किया है। और बाकी की ट्रेड को छोड़ के मैं इसी ट्रेड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने कहाँ पर ये ट्रेड लिया था और क्यों लिया था। तो चलेंगे हम निफ्टी के चार्ट पे, निफ्टी का चार्ट देखेंगे आप। निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला है। कंटिन्यूअसली आप देखेंगे यहाँ पे इस कैंडल के बाद एक हाई लगाया, उसका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके एक अच्छी रैली देखने के लिए मिली। लेकिन आफ्टरनून सेशन में, अगर दिन में देखेंगे आप, दिन के सेशन के बाद एक अच्छा कंसोलिडेट होने के बाद एक डाउन साइड मोमेंटम, एक तरफा डाउन साइड मोमेंटम देखने के लिए मिला। अब आप देखेंगे जो मैंने ट्रेड लिया है वो मैंने लिया है इस एरिया के आसपास, इस कैंडल के आसपास मैंने ट्रेड लिया है। और क्यों लिया है, अगर आप देखेंगे इसी एरिया के आसपास निफ्टी ने मॉर्निंग में एक रिट्रेसमेंट लेके एक हल्का सा अच्छा सपोर्ट बनाकर, रिट्रेसमेंट का मतलब है कि निफ्टी ने यहाँ पर एक हल्का सा सपोर्ट बनाया है। तो इस सपोर्ट एरिया को हम एक अच्छा, मतलब ये जो सपोर्ट एरिया है, ये अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा निफ्टी, तो फिर से एक अच्छा सपोर्ट एरिया की तरह वर्क कर सकता है। तो मैंने, अगर आप देखेंगे, यहाँ से एक अच्छा डाउनफॉल आया और एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया, वो भी सपोर्ट एरिया के आसपास। तो जिधर की तरफ भी आप ये ब्रेकआउट देता उस तरफ मैं आया ट्रेड लेता। तो अगर आप देखेंगे तो अपसाइड में ब्रेक किया, तो मैंने एक अपसाइड में ट्रेड लिया है। 22 लॉट्स मैंने लिए थे और बुक किया है, मैंने टारगेट रखा था 18050 के आसपास का, तो मैंने 18050 के आसपास मैंने बुक कर लिया था। और स्टॉप लॉस जो लगाया था मैंने इस ग्रीन कैंडल के लो का लगाया था, 1:2 का मेरा टारगेट था जो मेरा अचीव हुआ है। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बुक किया है जो है 17400 का। अब देख लेते हैं जो हमने आज के लिए स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और हमने कितना उसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो पहले देख लेंगे आज हमने जो स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और हमने उनमें कितना कितना प्रॉफिट बुक किया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, जो हमने दो स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे उनमें से एक सेलिंग का था और एक में बाइंग लेवल प्रोवाइड किया गया था। तो जिसमें हमने सेलिंग प्रोवाइड की थी वो हमारा, देखिए टोटल प्रॉफिट जो हमारा, नो ट्रेड, आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है, नो ट्रेड, नो ट्रेड सेशन था आज हमारा। तो जो हमने पहला स्टॉक दिया था वो दिया था हमने एक्सिस बैंक का, एक्सिस बैंक में सेलिंग प्राइस दिया था हमने 940 का, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बनाया है। इसमें नेक्स्ट स्टॉक था हमारा एशियन पेंट का, एशियन पेंट में हमने बाइंग प्राइस दिया था, स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था जो हमारा टारगेट था, टारगेट के ऊपर ही ओपन हुआ था, तो हमारा इसमें भी कोई लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब जो स्टॉक्स हम कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं उन्हें देख लेते हैं, कल हम कौन कौन से स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। जो पहला स्टॉक है वो हमारा यूपीएल का, यूपीएल में बाइंग लेवल है 735.70 रुपीज़ का, और क्वांटिटीज में हम रखेंगे 200। स्टॉप लॉस रखिएगा जो हमारा 732.50 का रहेगा, टारगेट 1740 का रहेगा और टारगेट 2742 का रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है जो हमारा, वो है हमारा स्टॉक टाटा पावर का, टाटा पावर में भी बाइंग प्राइस है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, अगर आप देखेंगे तो बाय करेंगे हम 206.40 पे, क्वांटिटी रखेंगे हम 1000, स्टॉप लॉस रखेंगे हम 205 का, टारगेट 1 होगा 208 का, टारगेट 2 होगा 209 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए। तो वीडियो को क्लोज करते हैं, थैंक यू।